वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अलका स्पेशल किचन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं पालक का रायता, जो बहुत ही टेस्टी यम्मी बनता है पालक का रायता। तो दोस्तों, इस तरह से आप पालक का रायता बनाओगे तो उंगलियां चट चट के खाओगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम बनाने की तैयारी कर लेते हैं पालक का रायता, बहुत ही टेस्टी यम्मी। तो मैंने यहाँ पालक लिया है, तो आप देख सकते हो हमारा पालक वो एकदम फ्रेश है और मैंने इसको अच्छे से धो के साफ कर लिया है। अब इसको उबालने के लिए हम कढ़ाई में डालेंगे। तो मैं यहाँ एल्युमिनियम की कढ़ाई इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो पालक को मैं कढ़ाई के अंदर डाल देती हूँ और इसको गैस के ऊपर उबलने के लिए रखूँगी। और इसके अंदर मैं ज़्यादा पानी नहीं डालना है, हमें थोड़ा ही पानी डालना है। तो चलिए अब इसको गैस के ऊपर रख देते हैं उबलने के लिए। तो मैंने पालक को गैस के ऊपर रख दिया है उबलने के लिए। तो इसमें उबाल आ चुका है, तो चम्मच की सहायता से इसको ऊपर नीचे करेंगे जिससे पालक अच्छे से गल जाए। इसके अंदर हमें पानी ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा ही डालना है, क्योंकि पालक के अंदर भी पानी होता है। तो आप देख सकते हो मैंने आधा गिलास पानी डाला था और ये देखिए एक गिलास से भी ज़्यादा पानी दिख रहा है हमें। और हमारा पालक बहुत अच्छे से उबल चुका है। तो ये देख, चलिए दिखा देती हूँ मैं आपको, ये देखिए। अब गैस की फ्लेम को हम कर देते हैं बंद और पालक हमारा अच्छे से पक चुका है। और इसको मैं ठंडे होने के बाद बाउल में निकाल लूँगी। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने पालक को भी बाउल में निकाल लिया, साथ में लिया दही। तो पालक को मैंने हाथों की सहायता से मैश कर लिया है। आप चाहे मिक्सी में भी इसको मैश कर सकते हो, लेकिन मिक्सी में मैश करने का नुकसान ये है कि क्योंकि पालक का टेस्ट बहुत अच्छा नहीं आएगा। और मैंने यहाँ पालक के अंदर दही डाला है, इसके अंदर मैं डालूंगी लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल आप अपने आवश्यकता अनुसार कर सकते हो, कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। यहाँ मैंने साधारण नमक लिया है 1/2 इंच, काला नमक 1 चम्मच, और इसी के साथ मैं डालूंगी चीनी। चीनी की मैं 2 चम्मच डालूंगी, क्योंकि आप किसी भी प्रकार का रायता बनाओगे तो इसके अंदर चीनी डालना ऑप्शन है, क्योंकि इससे रायते का टेस्ट वो बहुत ही अच्छा आता है। और अब इसको मैं अच्छे से सभी को मिक्स कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब चलिए तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ तड़का पैन गरम करने के लिए पहले ही रख दिया था। इसके अंदर मैंने 1 स्पून ऑयल डाला है। हमें ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हम इसके अंदर सिर्फ तड़का ही देंगे और इसको हम गरम होने के लिए रख देते हैं। तो तेल हमारा गरम हो रहा है, आप देख सकते हो अच्छे से। तो तेल देखिए हमारा अच्छे से गरम हो चुका है, देखिए दोस्तों तेल हमारा अच्छे से गरम हो चुका है। अब गैस की फ्लेम को हम कर देते हैं बंद। इसके अंदर मैं 1 चम्मच जीरा डालूंगी, लहसुन कुटा हुआ, साथ में डालूंगी हींग। तो दोस्तों ये हमारा तड़का तैयार है। अब चलिए इसको हम दही के अंदर हम डाल देते हैं। तो ये देखिए हमारा तड़का रायते के अंदर जा रहा है। अब इसको हम हैंड टू हैंड कवर कर देंगे प्लेट से, जिससे इसकी खुशबू है वो रायते के अंदर आ जाए। और ये देखिए हमारा तड़का एकदम तैयार है खाने के लिए। इसको हम दही के साथ, चपातियों के साथ, पूड़ियों के साथ, इसको हम नाश्ते में, डिनर में, लंच में कभी भी बना के खा सकते हैं बहुत ही कम समय में।
तो आप देख सकते हो हमारा रायता दिखने में कितना अच्छा टेस्टी लग रहा है। अब इसके अंदर मैं ऊपर से डालूंगी भुना हुआ जीरा पाउडर। तो ये देखिए दोस्तों, और थोड़ी सी डालूंगी लाल मिर्च पाउडर। तो मैंने यहाँ लाल मिर्च पाउडर भुना हुआ जीरे का इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों, अलका स्पेशल किचन में आपको रेसिपी कैसी लगती है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए दोस्तों। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को पूरा देखिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप ही की वजह से मेरा चैनल ग्रोथ करेगा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अलका स्पेशल किचन को सपोर्ट कीजिए। और मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। ओके बाय, थैंक यू की वॉचिंग।